हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ नवीनचुरा में। तो नवीनचुरा जो जगह है ये पड़ता है ऊनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा का। तो अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, एक्चुअली ये जगह का मतलब बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ है, इसका ऊपर एक बुद्ध का स्टैचू बनने वाला है। और ये जो स्टैचू होगा मतलब 108 फुट, तो यानी कि ये जो स्टैचू होने वाला है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये होने वाला है त्रिपुरा का सबसे ऊंचा बुद्ध स्टैचू। तो इसलिए हम लोगों के लिए, बुद्धिस्ट के लिए यानी त्रिपुरा वासी के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मोनूमेंट हो जाएगा। उसका साथ साथ त्रिपुरा का जो लोग है उनको, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक मोनूमेंट हो जाएगा। तो ये पहाड़ हम लोग अभी चढ़ने वाला है, तो ये एक्चुअली पहाड़ है जिसका ऊपर हम लोग जाने वाला है। तो लेट्स गो YouTube। तो मैं अभी जा रहा हूँ जो स्टेचू का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो देखने के लिए। तो मेरे साथ जा रहा है मेरा आंटी जी है, उनका साथ है, आंटी जी का कुछ दोस्त है, सब हम लोग का दिवोतीस है, वो जा रहा है। और उनका साथ साथ कुछ लोगों को साथ मिलाने वाला हूँ, जो वो लोग भी जा रहा है वो देखने के लिए। चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं बुद्ध का स्टैचू। अभी हम लोग ऊपर पहाड़ चढ़ रहा है, तो आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मेरे साथ जो मेरा आंटी है उनके साथ उसका दोस्त, उनका जो दोस्त है आ रहा है। सब अभी मतलब थक गया है, मैं भी थोड़ा बहुत थक चुका हूँ, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने का, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा एक पहाड़ है। तो आज हम लोग का जो काम है पहाड़ तोड़ने का काम है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर जाके हम लोग को दिखाऊंगा क्या है उस वहाँ पर। तो ये है एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है बुद्ध स्टैचू का, इसका फाउंडेशन अभी भी हो रहा है, मतलब अभी तक बना नहीं, बनाने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो आप लोग देख सकते हैं कि कितना वाइट लग रहा है, क्योंकि ये 108 फीट होगा, तो इसलिए बहुत ही बड़ा बुद्ध स्टैचू, इसलिए इसका फाउंडेशन भी बहुत बढ़िया से लेना पड़ रहा है, बहुत बारीकी से लेना पड़ रहा है। और मेरे साथ साथ जो जो आया है सबको देख के यही लग रहा है सब थक गया है। हाँ, मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि आप लोग को मेरा आवाज़ सुन के पता चल रहा है कि मैं कितना थका हुआ हूँ अभी। হতমান বলবো যে পানী আনি দিব নাই আনি দিব আইতৰে জনা চালে দিবা দে দে উদে চালে মৰে বাচ্চা এলা দে আইত 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 আম অফিচ জেগা মই সজা নহ'লে শুনা চাই আছে নাই तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए जब मैं आया, तो आते वक्त कुछ दोस्त मिल गया है, क्योंकि मेरा तो एक दोस्त है सौरभ, ब्लॉगर है, उनका दोस्त है ये सब। तो ये जो उनका दोस्त है, तो अभी खुद का परिचय खुद ही करवा लेंगे। तो आपका नाम क्या है और आपका चैनल का नाम बोलिए। दीपंकर आचार्य, और मेरा चैनल है आचार्य प्रोडक्शन, आप लोग एक बार विजिट करो। हाँ हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और बाकी आप लोग बताइए। मेरा नाम मन्ना दत्ता है, और मेरा चैनल का नाम है ट्रेवल विद मन्ना। ओके। और मेरा नाम है विशाल नाथ, और मेरा चैनल का नाम है विशाल ट्रेवलिंग, तो जरूर एक बार विजिट करना। हाँ हाँ, और मेरा नाम है विवास चंद्र देवनाथ, मैं एक सिनेमेटिक ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, और इस चैनल पर मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन पे मेरा चैनल का लिंक दिया होगा, तो आप जाके आप लोग जाके जरूर विजिट करें। और मेरा चैनल का नाम है बंगबो ऑफिशियल, आप जरूर विजिट करना। ओके ओके, बस।
तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा उन लोगों का चैनल में। जो 1208 फीट जो बुद्ध का स्टेचू बन रहा है यहाँ पर, ये एक्चुअली यहाँ पर जो बन रहा है इसका खास जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों का नज़दीक में एक रोड है, ये रोड का जब गाड़ी जाएगा, बंते जी मुझे बोला कि ये जो मतलब बना रहा है उन्होंने मुझे बताया कि जब गाड़ी जो जाएगा रोड से तो वहाँ से ये मूर्ति दिखाई देना चाहिए। अच्छा। इतना ऊंचा पहाड़ पे आया और यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये जो मूर्ति बन रहा है ये महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक ब्रांच है, बेंगलोर का ब्रांच, यहाँ पर शिवबाड़ी में है, सिसिंसोरा में महाबोधि सोसाइटी, तो वहाँ से बना रहा है। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा जगह था लेकिन नहीं बन रहा है, किस लिए? क्योंकि जब बाहर से लोग जाएंगे गाड़ी करके तो तब सबको देखना चाहिए कि हम लोगों का त्रिपुरा में एक बहुत ही बड़ा स्टेचू है, जो त्रिपुरा का सबसे ऊंचा स्टेचू होगा, बुद्ध स्टेचू। तो यहाँ पर दो पॉइंट है हम लोगों का, एक जो पॉइंट है त्रिपुरा वासी के लिए एक मोनूमेंट हो जाएगा, जब ये बुद्ध स्टेचू देखेगा कोई भी किसी भी पता चल जाएगा ये त्रिपुरा में है, और दूसरा जैसे कि हम लोग बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट के लिए भी गौरव का बात है और त्रिपुरा लोगों के लिए गौरव का बात है। तो ये एक्चुअली रीजन यहाँ पर बनाने दिया है, तुम्हें फोटो तुलत है, फोटो उतरते हैं। अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम देखने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं ये महाबोधि सोसाइटी का, यहाँ पर जो ऑफिस है मतलब छोटा सा एक मंदिर भी है वो देखने के लिए, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर में। अभी सब लोग आ रहे हैं मेरा पीछे। সোনালী চাকমা, আচ্ছা সোনালী চাকমা, সোনালী চাকমা, তুমি মহাবোধি রায়? फिलहाल अभी मैं मेरा रूम में हूँ, तो आ गए हूँ कंस्ट्रक्शन का काम देखने के बाद। तो वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम प्रोग्रेस हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा बुद्ध का स्टेचू हो रहा है हम लोगों का त्रिपुरा में, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरा ये काम मैं जो कर रहा हूँ, अगर ये काम आप लोगों को पसंद आए या आता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।